आज रामलीला कमेटी महासंघ का गठन हुआ है और उस महासंघ की एक पहली प्रेस वार्ता थी जो प्रशासनिक उदासीनता दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व के प्रति बढ़ती जा रही है उसको लेकर के महासंघ ने प्रयाग महानगर आसपास समस्त रामलीला कमेटियों को एक करके महासंघ का गठन किया है और उसके बैनर के तले और इस प्रशासनिक उपेक्षा के विरुद्ध संघर्ष करेगी और रामलीला दशहरा का पर्व इसी तरह से बाधित नहीं होने देंगे। हमारी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है हजारों वर्षों की, हमारी जो संस्कृति और पुरातन संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए हम लोग किसी भी स्तर पर जा करके इसके लिए संघर्ष करेंगे, त्यौहार को बाधित नहीं होने। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से पहली मांग तो यही थी कि जो लाउड स्पीकर पर इनकी बैन लग रही है उसकी क्या व्यवस्था करें, रामलीला कार्यक्रम जो शुरू होने जा रहा है तो कमेटियां उसके लिए क्या पहल करें, सड़क बिजली और जो रोजमर्रा की समस्याएं जहां से दल निकलता है रूट दल का जो रूट है उसका सर्वे नहीं हुआ, आज तक उसका सर्वे नहीं, सर्वे करके उसकी मैचिंग और उसके निर्माण में प्रत्येक वर्ष कार्य किया जाता था, अभी तक कोई बैठक नहीं किया। पहली बात यह है कि तुरंत जिला प्रशासन महासंघ के साथ वार्ता करें और हमारी जो समस्या है हम लोग उन्हें अवगत कराएं ताकि उसका निर्माण